स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल डिफेंस स्टडी 3.0 पे। तो दोस्तों एक बड़ी भर्ती सामने निकल कर आने वाली है और बड़ी खुशखबरी है आप लोगों के लिए। CRPF GD 21,556 भर्ती आने वाली है कांस्टेबल GD के लिए। तो दोस्तों आज हम आप लोगों को इस वीडियो में हाइट कितना लगेगा, क्या ये भर्ती SSC GD के थ्रू आएगी या SSC GD से अलग CRPF के वेबसाइट पर आएगी, क्योंकि अगस्त में जो भर्ती का रूल है वह चेंज कर दिया गया है CRPF के तरफ से। तो दोस्तों क्या हाइट कितनी रहेगी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, कौन कौन से बच्चे इसमें ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं और ऑनलाइन अप्लाई कब से होगा, ये सारी जानकारी इस वीडियो में आज हम आप लोगों को देने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों आप लोग नीचे चलिए और देखिए यहाँ पर आप लोगों को पोस्ट ऑफ जो वैकेंसी है आप लोग देख लीजिए 21,556, ये मेल और फीमेल दोनों के लिए। दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि SSC GD में CRPF की भर्ती 0 आई थी, क्योंकि रूल्स चेंज कर दिए गए हैं CRPF की कांस्टेबल GD की भर्ती के लिए। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी है कि अब जो आप लोगों का CRPF की भर्ती है वह वेबसाइट पर ही देखने को मिलेगी। मतलब अभी ये कन्फर्म नहीं किया गया है कि आप लोगों को SSC GD के थ्रू आएगी या वेबसाइट, लेकिन जहाँ तक उम्मीद जताया जा रहा है कि अब CRPF की भर्ती केवल वेबसाइट पर CRPF के विभागीय भर्ती पर ही आएगी, SSC GD के साथ नहीं आएगी। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 21,556 है। नेम ऑफ द पोस्ट वैकेंसी कांस्टेबल GD जो जनरल ड्यूटी मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट साथ में। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एज लिमिट की बात करें तो एज जो है आप लोगों को यहाँ पर देख लीजिए, एज लिमिट की बात करें दोस्तों यहाँ पर तो देख लीजिए कैंडिडेट आर 1823 आप लोगों को आयु होनी चाहिए GD ऑन लास्ट एज अप्लीकेशन। एज रिलेक्शन 5 साल मिलेगा, यहाँ पर SC ST को 3 साल छूट मिलेगा OBC कैंडिडेट को। अब देखिए दोस्तों इसमें आप लोगों को हाइट, तो फिजिकल स्टैंडर्ड आप लोग ध्यान से देख लीजिए, यहाँ पर आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड जो रखा गया है वह मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर रखा गया है। सिर्फ ST कैंडिडेट को हाइट में छूट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, फिर चलिए नीचे चलते हैं, नीचे आप लोग देखिए यहाँ पर सारी जानकारी दी गई है आप लोगों का जो फिजिकल होने वाला है PT 5 किलोमीटर 24 मिनट में, फीमेल कैंडिडेट को 1.6 किलोमीटर 8.5 सेकेंड में। देखिए यहाँ पर रेस की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। अब चलिए नीचे चलते हैं और नीचे आप लोग देख लीजिए यहाँ पर आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है, हम आप लोगों को सिलेक्शन प्रोसेस भी बताएंगे, आप लोगों का जो एग्ज़ाम होने वाला है 25-25 सभी प्रश्नों में से पूछे जाएंगे। और सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस दिया है PT PST, पहले क्या होगा PT होगा PST होगा, जो बच्चे PT PST क्वालिफाई कर देंगे उसका रिटेन एग्जामिनेशन होगा, निगेटिव मार्क अप्लाई नहीं है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, फिर रीमेडिकल होगा। अब चलिए दोस्तों देखते हैं इसका एप्लीकेशन फ़ी, तो ऑल कैंडिडेट को 100 रुपया लगेगा। और ये जो ऑनलाइन अप्लाई है आप लोग देख सकते हैं ये CRPF के वेबसाइट पर इसका लिंक जारी कर दिया जाएगा और ऑनलाइन अप्लाई का जो डेट रखा गया है वह रखा गया है नवंबर 2022 को, और लास्ट डेट है अप्लीकेशन का दिसंबर 2022, और इसका जो फुल नोटिफिकेशन है जल्द CRPF के वेबसाइट पर आने वाला है। तो दोस्तों आप लोगों के लिए एक बड़ी जानकारी है और बड़ी खुशखबरी है कि आप लोगों के लिए CRPF में 21,556 पोस्टों की भर्ती आने वाली है। सभी बच्चे तैयार रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी नोटिस आए तो आप लोगों तक फटाफट पहुँच जाए। जय हिंद, वंदे मातरम।